हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वसुंधरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यस टीवी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूं और वो है करियर से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, आज के टाइम में पता है क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपने टेंथ क्लियर कर लेता है तो उसके पास एक चार रास्ते आ जाते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंस और कॉमर्स। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते में जाना चाहते हैं। अब मेन जो इशू है वो ये है कि आज के टाइम में बच्चा उस लाइन में नहीं जा रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका पैशन है, जिसमें उसका टैलेंट है। वो उस चीज़ में जा रहा है जिसमें उसका दोस्त जा रहा है। मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ही लूँगा, मेरा दोस्त नॉन मेडिकल ले रहा है तो मैं भी नॉन मेडिकल ही लूँगा, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है तो भाई मैं क्यों दूसरा सब्जेक्ट लूँ, मैं भी आर्ट्स ही लूँगा, भाई मेरा पक्का दोस्त है, हम साथ साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब तक साथ रहेंगे? स्कूलिंग हो जाएगी, ठीक है, कॉलेज में आगे सेम लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी एक जगह, ठीक है, लेकिन कब तक? अगर आपका वो सच्चा दोस्त है तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। उसके लिए किसी एक क्लासरूम में एक साथ एक बेंच पर बैठना ज़रूरी नहीं होगा। ज़रूरी होगा कि आप दिल से साथ हों, और जो सच्चा दोस्त होगा वो आपको एक्चुअल में मोटिवेट करेगा कि आप उस फील्ड में जाएं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपका करियर बन सकता है। अगर मेरा इंटरेस्ट, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन में है और वहीं मेरे दोस्त का इंटरेस्ट है डांसिंग की लाइन में, तो क्या मैं अपना पैशन छोड़ दूँ और डांस करने लग जाऊँ? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर यही चीज़ मैं भी अपने फ्रेंड को कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ कि तू क्या डांसिंग कर रही है, छोड़, तू मेरे साथ हाँ मास कम्युनिकेशन कर। लेकिन क्या वो करेगी? वो भी इस बात को जानती है कि हर किसी का अपना पर्सनल टैलेंट होता है, हर किसी की अपने पर्सनल पैशन होता है। अगर मेरा पैशन मास कम्युनिकेशन है तो मैं उसी लाइन में खुद को ग्रो कर सकती हूँ और उसी लाइन में आगे जा सकती हूँ, और वहीं मेरी फ्रेंड अगर डांसिंग करना चाहती है तो वो उसी फील्ड में जा करके खुद को ग्रो कर सकती है। दोस्तों, ज़रूरत है तो अपना खुद का पैशन समझने की, अपना खुद का इंटरेस्ट जानने की, और ये जानने की कि हम अपने आप को किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस फील्ड की अपॉर्चुनिटी में जा करके खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखा देखी करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ सीमित समय के लिए एक दूसरे के साथ रह जाएंगे और वहीं सिमट करके रह जाएंगे। अगर आप भी यही सोचते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड कॉमर्स कर रहा है, सीए करना चाहता है, हालांकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी उसमें चला जाऊं, तो दोस्तों एक दिन के लिए आप चले जाओगे, स्कूलिंग कर लोगे साथ में, कॉलेज कर लोगे, लेकिन फिर क्या? अगर आपका दोस्त तो सीए बन गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, लेकिन आपने तो देखा देखी में किया ना, और आप आगे जाकर के नहीं बने, तो फिर क्या? फिर भी तो अलग हो गई ना। तो इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उस फील्ड में जाइए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर अपने अपने इंटरेस्ट में जा करके कुछ समय के लिए आप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जा करके जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो एक दूसरे की नज़रों में नज़र मिलाकर बात करने के लायक बन जाएंगे। तो दोस्तों, आगे जा करके एक दूसरे से शर्मिंदा होना कि तू कहाँ पहुँच गया और यार मैं कहाँ रह गया, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम दोनों अपने अपने स्ट्रीम में जा करके बेस्ट दें, जीत कर दिखाएँ, सक्सेसफुल बन कर दिखाएँ और फिर एक दूसरे के सामने आए। सो दोस्तों, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, एंड इफ यू आर एग्री विद माई व्यूज देन Don't forget to write in the comment section and please subscribe to our YouTube channel. Dekhte rahiye YesTV. Thank you.